फिर से दोहरा रहा हूं कि आजाद हिंदुस्तान में जब से राजनीति को देख रहा हूं, किसी दूसरे दल के आंतरिक गतिविधि में, चेंज पे, नॉर्मल चेंज पे इतनी दिलचस्पी मीडिया की अगर हो रही है तो मुझे लगता है कि देश में लोकतंत्र बचा रहेगा। क्योंकि नड्डा जी के बाद जब बनेगा, मैं इतना माइक चाहता हूं मेरे सामने उस वक्त भी कि नड्डा जी के बाद जो बनेगा, मैं समझता हूं कि एक दल के रूप में जनता दल यू के अंदर नीतीश जी ने खुद कमान संभाली। चर्चा यह है कि ललन सिंह जी चाहते थे कि कंटिन्यू ना करें, फोकस करें ऑन इश्यूज पे। कल हमारे नेता तेजस्वी जी ने भी दूध का दूध पानी का पानी करके रह दिया। और सीधी सी बात है, बिहार को लेकर के खासतौर पर मैं कहूंगा बेचैनी है बीजेपी में। बाकी अभी हमारे पीछे गिरिराज जी आ रहे हैं, उनसे पूछिएगा, राष्ट्रीय स्तर के नेता है, राष्ट्रीय मुद्दे हैं उनके पास, झटका क्या है, हलाल क्या है, पाकिस्तान कैसे भेजा जाए, बहुत प्रसन्न करेंगे आप लोगों को। आ रहे हैं पीछे आरजेडी के नेता एक कौन फतेह बहादुर सिंह क्या बोले हैं देवी देवताओं को लेकर। देवी देव, देखिए आप किसी भी बयान का कौन सा एंगल कोलन के बाद पकड़ते हैं। मेरा सीधे कहना है, एक अभिव्यक्ति की आजादी, लेकिन अभिव्यक्ति की आजादी का भी दायरा होता है। लेकिन मैं चिंतित हूं अपने देश के लिए कि अगर कबीर आज आ जाए तो आप लोग तो यही माइक कबीर के सामने रख दीजिएगा कि तू क्या बोल रहा है। जैसे ही होगा ना कागज लेके आएंगे सामने।